आज जो नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये पुरानी मशीनें तो ग्राइंडर मशीनें मेरे पास पहले पुरानी मौजूद हैं, साल दो साल से चल रही हैं, लेकिन इस मरतबा जो नई चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है ब्राज़ील का JF30 EVO मॉडल। ये हमने स्पेशल मंगवाया है सेलेज के लिए। सेलेज के लिए आपने बड़ी मशीनें देखी थी पहले, वो उनकी कास्ट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने ये एक छोटा मॉडल मंगवाया छोटे किसानों के लिए कि जो बड़ी मशीन नहीं ले सकते वो ये छोटी मशीन लेके अपने जानवरों के लिए सेलेज बना सकें। इस मशीन की जो एवरेज है वो एक घंटे में आप इसके साथ 2 से 3 टन तक सेलेज बना सकते हैं। मक्की का सेलेज 2 से 3 टन तक बना सकते हैं। अगर आप इसको मोटर लगाएं तो 5 HP की सिंगल फेज मोटर लगाएं। अगर आपको इसको पीटर इंजन लगाना चाहते हैं तो आप इसको 8 HP का डीजल इंजन लगाएं। उसके साथ आपकी एवरेज 1 घंटे में 3 टन तक निकलेगी। अच्छा सर, आपने इसके बारे में ये तो बता दिया कि ये अच्छी जो इसकी वर्किंग है वो अच्छी है, इसमें और जो पुरानी मशीनें हैं उनमें कितना फ़र्क है, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को वाजह कर दीजिए। जी भाई, इसमें और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मशीनें जितनी भी हमने पहले बनाई थी या मार्केट में जो भी चल रही हैं वो ग्राइंडर मशीन है। ग्राइंडर मशीन का काम यह है, जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये हमारा पुराना मॉडल है, ये भी वही है, ये ग्राइंडर मशीन है। ग्राइंडर मशीन का काम यह है कि वंडे को ग्राइंड करना, ठीक है। उसमें आप गंदम कर लें या चना कर लें या मक्की कर लें, ठीक है, या खाल वगैरह कर लें या तूड़ी बारीक कर लें। सैलेज बनाती थी वो भी, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ी मकदार में, थोड़े पैमाने पे। लेकिन स्पेशल जो सैलेज बनाने के लिए मशीन है वो ये वाली मशीन है, JF30 मॉडल है। अच्छा सर, इसका रेट बता दीजिएगा कि आज का इसका रेट क्या है। जी भाई, आज का इसका रेट है 140, यानी 1,40,000 रुपया इसका आज का रेट है। ये ब्राज़ील से हमने मंगवाई है। आज डेट क्या ये भी बता दीजिएगा। आज भाई डेट है 12 जून 2021, आज का रेट है 1,40,000 रुपया। अच्छा, इसके बाद जो आपकी पुरानी मशीन है वो दिखा दीजिएगा साहब। जी भाई, पुरानी मशीन कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा करीब में आकर दिखाए। मार्केट में और भी बहुत मशीनें चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ और क्वालिटी जो है ना, ये देखें, हमने ये जो तवा लगाया ना इसमें, ये 2.5 से 3 सूत्र मोटा हमने तवा लगाया। आम मार्केट में 1.5 सूत्र तवे की मशीन चल रही है। इसके बाद ये हमने जो चादर लगाई है ये हमारी 1.5 सूत्र मोटी चादर है, ये लगी हुई है। इसके बाद एंगल लगाई है 2 इंच 1.5 सूत्र की एंगल लगी हुई है, ठीक है। ये ऊपर वाली चादर भी हमने जो लगाई है ये 14 गेज की लगाई है। अक्सर लोग 18 की या 22 गेज की लगा के सेल कर रहे हैं। इसकी एवरेज 12 मन 1 घंटे की एवरेज है। और इस मशीन का आज का रेट है 45,000 रुपया विदाउट मोटर, 12 मन एवरेज है इसकी 1 घंटे की। ये तीनों एक ही मॉडल हैं। इसमें हमने ये एक बड़ा मॉडल है, इससे उस कमर्शियल कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, वंडा बनाने का कमर्शियल काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मशीन है। इसकी एवरेज है 1 घंटे की 25 मन, यानी 1 घंटे में आप 25 मन मक्की या गंदम इसके साथ दलिया कर सकते हैं, खल भी बारीक कर सकते हैं, उसके अलावा इसके साथ तूड़ी भी बारीक कर सकते हैं आप। ये चलेगी आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर के, 10 हॉर्स पावर जी, 10 HP की मोटर पे चलेगी, या पीटर पे चलाना चाहते हैं तो तब भी 12 के पीटर पे आप इसको ईजी चला सकते हैं। इसकी एवरेज 25 मन 1 घंटे की है और इसका रेट आज का है 87,000 रुपया इसका रेट है विदाउट मोटर। अच्छा, इसके बाद सर कौन सी मशीन आ गई? इसके बाद भाई हम आपको दिखाना चाह रहे हैं JF2D मॉडल। JF2D पहले मैं आपको असल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो अपना हमने बनाया वो दिखाऊंगा। JF2D मॉडल ये है ब्राज़ील से बरामद, ये हमने ब्राज़ील से मशीन मंगवाई है। ये इस मशीन का काम यह है कि ये आपका वंडा भी करेगी और साइलेज भी करेगी और उसके अलावा तूड़ी को भी बारीक करेगी और आटा भी बनाएगी, गंदम का आटा भी बनाएगी, दलिया भी बनाएगी। इस मशीन के साथ 4 जालियाँ, 1 जाली अंदर लगी हुई है, 3 इसके साथ हैं, टोटल 4 जालियाँ इसकी, ठीक है। इसके साथ आप साइलेज भी कर सकते हैं। ये इसका पीछे पारछा लगा हुआ है, ये इसका ऊपर वाला हापर है, इससे आप दाने वगैरह इसमें डाल सकते हैं। JF2D मॉडल की जो प्राइस है आज की वो है 80,000 रुपया।
80,000 रुपया GF2D मॉडल की प्राइस है। और जी भाई, ये है हमारा अपना मॉडल जो तैयार करता है, GF2D मॉडल जो हमने खुद तैयार की है। अब ये इसकी क्वालिटी देखें, ये 1.5 सूत्र मोटी हमने ये चादर लगाई है। आम मार्केट में जो आप चीज़ें देखेंगे वो 1 सूत्र की होगी। आगे इसका ये जो तवा नज़र आ रहा है आपको, ये भी 3 सूत्र मोटा है। ये जो इसमें ब्लेड लगे हैं, ये कमानी के ब्लेड लगे हुए हैं। और इसके साथ इस वक्त जो है ना, 2 जालियाँ हैं, एक बारीक जाली है और एक इसके साथ मोटी जाली है। ये वो मशीन है जो आपने उसकी कॉपी की है? जी भाई, जो आपने GF2D की कॉपी, असल में अपना मॉडल तैयार किया। ये आप उसका फ्रेम भी देख रहे हैं, 2 इंच 1 सूत्र का फ्रेम है। और हमने जो लगाया है वो 2 इंच 1.5 सूत्र मोटा फ्रेम लगाया है। ये इसकी चादर देख रहे हैं, अंदर तवा देख रहे हैं, ब्लेड देख रहे हैं इसके, और इसकी ये वर्किंग देखें। ये हमने अपना मॉडल तैयार किया और इसका आज का रेट है 65,000 रुपया। 65,000 जी, ब्राज़ील वाली का 80,000 है और इसका 65,000 है, 15,000 रुपये का फ़र्क है। अच्छा सर, बताइएगा फ़र्क तो 15,000 के इसकी कीमत में, वर्किंग में कितना फ़र्क है, ये कितनी प्रोडक्शन देगी, वो कितनी देगी? वर्किंग में भाई इंशाल्लाह हमारा GF2D से भी वर्किंग में फ़र्क आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी बनी हुई है तकरीबन 12-12.5 इंच की है, और हमारी बॉडी जो बनी है ये 14.5 इंच की बॉडी बनाई है हमने। 14.5 इंच? हाँ, अगर वो 10 मन या 12 मन प्रोडक्शन करती है तो ये हमारी जो बॉडी है ये 14-15 मन प्रोडक्शन करेगी। यानी कि आपने कॉपी उसी को किया, कीमत भी कम रखी, लेकिन उसमें वर्किंग जो है वो ज़्यादा करेगी? जी जी, इंशाल्लाह वर्किंग ज़्यादा करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन जो भी मैंने ये 2-3 मॉडल आपको दिखाए, ग्राइंडर मशीन दिखाई 102 है, उसके बाद कमर्शियल ग्राइंडर है 103 है, इसके बाद GF2D मॉडल दिखाया 104, ठीक है, और ये असल GF2D है जो ब्राज़ील से बरामद है। इन चारों मॉडलों में जो आप वंडा क्रश करेंगे, वंडा ग्राइंड करेंगे, उस वंडे को बाद में आपने मिक्स किसके साथ करना है, मिक्स करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास मिक्सर मौजूद है। ये जो मिक्सर है 50 kg का मिक्सर है, एक वक्त में 50 kg इसमें माल डलेगा। ये 3 HP की इसको मोटर हमने सिंगल फेस लगाई हुई है। ये गियर मोटर इसके साथ है, और इसकी आज की प्राइस जो है भाईजान वो है 90,000 रुपया। 90,000? 50 kg? हाँ, 50 kg का मिक्सर है, 90,000 रुपये का, ठीक है। और इसमें ये एक बड़ा मॉडल है हमारे पास, 100 kg वाला है, इसके साथ 5 HP की मोटर है, 3 फेस, खाली मोटर नहीं, गियर मोटर है, कपल गियर मोटर है, और ये हम दे रहे हैं 1,25,000 रुपये में। 1,25,000? 1,25,000 रुपये में दे रहे हैं। इसकी एवरेज है 100 किलो एक वक्त में, 100 किलो वंडा डाल के आप आसानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। अच्छा सर, इनकी मशीनरी तो आपने दिखा दिया।